Today we will learn about the kinematic indeterminacy of structures. So kinematic indeterminacy, हम लोग जब static indeterminacy पढ़ रहे थे तब क्या था, कोई भी एक structure से suppose we are considering a 2D cantilever beam, so ये static condition में था, okay? और हम लोग unknown member forces, reactions देख रहे थे और उसके साथ साथ known equation देख रहे थे कि structure को स्टैटिक कंडीशन में अगर एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है तो हमें कितना एडिशनल इक्वेशन मिलेगा। नाउ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी क्या बोलता है कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी डील करता है पहली बात कि एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है तो हर एक ज्वाइंट, किसी भी स्ट्रक्चर का एक ज्वाइंट में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ओके? आप विथ एप्लीकेशन ऑफ लोड किसी भी एक स्ट्रक्चर का ज्वाइंट में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। नाउ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इसी डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करता है। तो पहले अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है क्या। सो और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को हम लोग डीके से डिनोट करते हैं। सो इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इज डिफाइंड एज द टोटल number of independent displacement coordinates available at all joints of a structure. और बोल सकते हैं हम लोग इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट ऑल ज्वाइंट ऑफ ए स्ट्रक्चर। पहले इस डेफिनेशन को लिख लो फिर हम लोग समझेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स एक्चुअली। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफाइन एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स की जगह पे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल एट ऑल जॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन लिख लिया, अब इस चीज को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, सो लेट्स कंसिडर ए 2D कैंटिलीवर बीम। ओके, से हम लोग एक 2D कैंटिलीवर बीम को कंसिडर किया। नाउ मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। फर्स्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको हम लोग बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन। So say this is a cantilever beam. Okay. Now I am applying a load here at the free end. So a beam kya karega? That beam will deflect like this. Okay. So yahan pe hum logo ko kya mil raha hai? Ek linear deflection mil raha hai yahan se yahan tak, tail se y direction, tail y mil raha hai. Pehle a point pe tha, after the application of load a point pe pahunch gaya. So डेल वाई यहाँ पे पॉसिबल है डिफ्लेक्शन और हम लोग इसको बोलते हैं लिनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एंगुलर जिसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। सो हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए KI के ऊपर फोकस करो। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ करूंगा या फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक थीटा मिलेगा, से थीटा ए जेड, जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये रोटेट कर सकता है। सो दो बेसिकली हमें दो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक लेनियर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लोप और एक डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे देखा मैंने इस डायरेक्शन से लोड अप्लाई किया तो मुझे डेल वाई और थीटा, एक स्लोप मिला और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिला।
नाउ इफ आई अप्लाई द लोड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और अगर मेरा ये जो बीम का मेंबर है, ये मेंबर अगर एक्सटेंसिबल है, इफ दिस मेंबर इज एक्सटेंसिबल या फिर इलास्टिक, मतलब ये एक्सटेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर इलास्टिक है, देन क्या हो सकता है, यहाँ पे और एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, दैट इज डेल एक्स. एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. सो दो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिला, डेल एक्स एंड डेल वाई, 2D में अगर देखेंगे तो. और एक हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, दैट इज थीटा ए जेड. सो अभी इस कैंटिलीवर बीम को अगर देखेंगे, हम लोग कैंटिलीवर बीम का इस फ्री एंड में, अभी देखो मैं कोई लोडिंग कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, तो जनरल लोडिंग कंडीशन को मान के चलते हैं कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है. सो इस बीम का इस पॉइंट पे कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मिला 2D में, 3 मिला. कौन कौन सा? एक है तुम्हारा डेल एक्स, एक मिला डेल वाई, एक मिला थीटा ए जेड. सो इस जॉइंट पे, ए जॉइंट पे इस कैंटिलीवर बीम का इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कितना है? 3 है. नाउ अगर हम लोग बी जॉइंट को देखेंगे, अभी बोलो ए बी जॉइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता है क्या? नो, इट्स अ फिक्स्ड. नाउ ए साइड में एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? नो. इसमें कोई एंगुलर रोटेशन आ सकता है क्या? नो. सो इसमें बी पॉइंट के लिए अगर देखेंगे कि इसमें इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कितना हो रहा है? 0. सो अगर हम लोग इस कैंटिलीवर बीम के लिए बोलेंगे कि टोटल इसका दो जॉइंट्स है, तो टोटल दो जॉइंट में हमें कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिला? कितना मिला? 3. सो इस बीम के लिए डी के हो जाएगा 3. अभी आओ हम लोगों का जो डेफिनेशन लिखाया था, क्या लिखाया था? क्या इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल एट ऑल जॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर. ओके, सो हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर का, अभी बीम लिया हम लोग फ्रेम और ट्रस के लिए भी देखेंगे, डिफरेंट कंडीशन के लिए भी देखेंगे, तो कितना नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स हर एक जॉइंट पे मौजूद है, उसको हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी से डिफाइन करते हैं. क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लोग इस बीम को एनालाइज करेंगे तो वी नीड टू नो द डेल एक्स वैल्यू, द डेल वाई वैल्यू एंड द थीटा वैल्यू, और अगर कोई और रहा तो उसे भी हमें निकालना होगा, और विदाउट नोइंग दैट हम लोग किसी भी एक स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं कर सकते. कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स को ना जान के डिजाइन भी नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए डीके का वैल्यू हो गया 3. सो डेफिनेशन समझ में आया, ए क्या क्या है ये चीज भी समझ में आया, यस और नो? अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे क्या है क्या नहीं है. सो अगर बीम को ही ले लिया तो बीम के लिए ही देखते हैं, से वही मेरा बीम था. नाउ लुक क्लोज कि हम लोगों का जो किसी भी एक जॉइंट पे जितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है उसको रिस्ट्रेन कौन कर रहा है, मतलब रोक कौन रहा है. तो इस कैंटिलीवर बीम को देखो, नाउ ए पॉइंट से ए पॉइंट, नाउ दिस इज द बी पॉइंट. सो पहले इसमें क्या क्या पॉसिबल था? डेल एक्स पॉसिबल था, एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस कर सकता था मेरा ए पॉइंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता था ये पॉइंट, और वहां पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल था थीटा ए. नाउ इस डिस्प्लेसमेंट को रोक कौन रहा है? अगर मैं इस कैंटिलीवर बीम का एक एंड पे एक रोलर लगा दिया, तो रोलर क्या करेगा? रोलर एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, मतलब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डेल वाई था, जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स ऊपर नीचे जो मूव कर सकता था वो जॉइंट, वो अभी नहीं कर पाएगा. तो क्या हुआ, मैंने एक सपोर्ट रिएक्शन लगा दिया, दैट मीन्स एक मेरा इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, कम हो गया. अब बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? ये आइदर मूव कर सकता है डेल एक्स डायरेक्शन में, मतलब आइदर इन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसमें एंगुलर रोटेशन पॉसिबल हो सकता है. इसका बी तो बी है, ठीक है. सो दो पॉसिबल है. ओके, नाउ नाउ इफ इफ आई पुट ए हिंज ओवर हियर, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक हिंज लगा दिया. सो हिंज कौन कौन सा डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देता है?
एक वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देता है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देता है। सो ये क्या कर रहा है, मेरा जो दो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स था कि मेरा ये जो फ्री एंड पहले डेल एक्स और डेल वाई, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता था, पर ए अभी देखो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था इसको ये ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, रिस्ट्रेन कर दिया। तो अभी इस केस में कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेगा यहाँ पे, बस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स। नाउ अगर इस बीम को मैं फिक्स बना दिया, दोनों एंड से फिक्स बना दिया, अब बताओ कि इसका दोनों एंड में कोई इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स रहेगा क्या, रहेगा क्या? नो, क्योंकि ए जॉइंट भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ए भी नहीं कर सकता है। तो क्या सीखा यहाँ पे कि जितना सपोर्ट रिएक्शन है, जो जितना एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, जितना तुम्हारा सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन देता है, उसी हिसाब से तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स है उसका वैल्यू भी चेंज होता जाता है, उसका वैल्यू भी कम होता जाता है, राइट? तो इस चीज को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अगर बीम के लिए ही इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, से फॉर 2D बीम्स, हम लोग इस KI को ही इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो कोई भी एक बीम का, पहले बताओ कि कोई भी एक बीम का एक जॉइंट कितना डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, मतलब हर एक जॉइंट पे 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। सो अगर देयर आर जे नंबर ऑफ जॉइंट्स, इफ देयर आर जे नंबर ऑफ जॉइंट्स, सो टोटल इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 3J। सो इसको ऐसे देखो, पहले एक बीम लो जिसमें कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। सो इसका ए जो जॉइंट है मेरा, ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो। तो ए जॉइंट भी 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसमें भी पॉसिबल डेल ए एक्स पॉसिबल, डेल ए वाई पॉसिबल एंड थीटा ए पॉसिबल। इधर भी क्या पॉसिबल है, डेल बी एक्स पॉसिबल, डेल पी वाई पॉसिबल एंड थीटा डी पॉसिबल। सो हर एक जॉइंट में 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ओके? सो हम लोगों के पास अगर जे नंबर ऑफ जॉइंट है, सो हम लोग टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स 3J लिख सकते हैं, यस और नो? 3J। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स को रोक कौन रहा है, रोक रहा है तुम्हारा सपोर्ट, और शॉर्टली हम लोग अगर बोलेंगे तो सपोर्ट रिएक्शन। मान लो कि यहाँ पे मैंने ए की जगह पे अभी एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया, तो फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन कितना होता है, रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट इन 2D 3। सो ये 3 रिएक्शन दे रहा है, तो मेरा 3 जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट था उसको इसने रिस्ट्रेन कर दिया। सो अभी बचा कितना हुआ है, DK इक्वल्स लिख सकते हैं 3J - R, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कि हर एक जॉइंट में 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था, और जितना मैंने सपोर्ट लगाया उतना ही इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कम होता गया। सो DK फॉर बीम, 2D बीम हम लोग लिख सकते हैं 3J - R। R क्या है, दैट इज द, और RE लिख सकते हो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। नाउ ये कंडीशन कब आएगा, इफ ये जो कंडीशन मैंने लिखा, ये कंडीशन कब आएगा, इफ द मेंबर और मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, ये जो मेरा मेंबर है एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलोंगेट कर सकता है, रिजिड भी हो सकता है ये मेंबर, तब जाके हम लोग इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके? सो अगर मेंबर एक्सटेंसिबल है, उसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है, देन हम लोग 2D के बीम के लिए DK इक्वल्स टू 3J - RC लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल एंड देयर आर नो हाइब्रिड जॉइंट्स, यहाँ पे कोई हाइब्रिड जॉइंट्स मैंने नहीं दिया है, ओके? सो से इस प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करेंगे, से इस कैंटिलीवर बीम है, चलो कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। से यही कैंटिलीवर बीम है, अब बताओ इस कैंटिलीवर बीम को हम लोग अगर फॉर्मूला से DK निकालेंगे, तो DK इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, 3J
माइनस आर ई, ज्वाइंट कितना है एक दो, सो सिक्स माइनस रिएक्शन कितना है एक सपोर्ट है तो थ्री रिएक्शन, तो हमें डी के इक्वल थ्री मिला। इसके लिए भी अगर चेक करेंगे तो तीन कौन कौन सा मिलेगा, बस हमें बी पॉइंट पे ही तीन मिलेगा, दो लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स डेल एक्स डेल वाई और थीटा पी, राइट। या फिर चलो कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, से हम लोगों के पास रोलर ओवर हियर एंड अनदर रोलर इज हियर, सो टेल मी व्हाट विल बी द डीके ऑफ दिस बीम, टू रोलर्स एंड वन पिंच, व्हाट विल बी द डीके ऑफ द बीम। सो हम लोगों के पास, और यहाँ पे क्या बोला है, मेंबर आर एक्सटेंसिबल, मतलब मेंबर में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नाउ फॉर दिस केस डीके का वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग इक्वेशन से करेंगे 3j माइनस आर ई, सो जॉइंट्स कितना है 1 2 3, सो 9 माइनस रिएक्शन कितना है यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। नाउ ये पांच कौन कौन सा आएगा अगर हम लोग फिजिकली चेक करेंगे, चलो फिजिकली चेक करते हैं, तो नाम दे दो ए बी सी। सो पहले सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट में क्या क्या पॉसिबल है, डेल एक्स पॉसिबल है क्योंकि सी पॉइंट मेरा एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सी पॉइंट पे रोटेशन थीटा पॉसिबल है, डेल एक्स सी पॉसिबल है, थीटा सी पॉसिबल है, दो यहाँ पे, राइट। नाउ बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट भी तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सो डेल एक्स पॉसिबल और थीटा बी पॉसिबल। नाउ ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट ना ही तुम्हारा हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ना ही वर्टिकली मूव कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंज लगाया हुआ है और जो हिंज है वो दो रिएक्शन देता है, राइट। सो दो रिएक्शन के लिए सो यहाँ पे बस एक ही पॉसिबल है, दैट इज थीटा ए। सो टोटल गिनो अभी कितना मिल रहा है 1 2 2, सो दैट मीन्स इक्वल टू 5। सो वाया इक्वेशन और वाया फिजिकली बोथ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी के। नाउ मैंने यहाँ पे पहला कंडीशन क्या लिया, मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। नाउ इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब वहां पे एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, एक्सियल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा कंडीशन और दूसरा केस बोल सकते हैं हम लोग कि डी के का वैल्यू तब जाके कितना होगा, इफ इफ द मेंबर्स आर नॉट एक्सटेंसिबल, और यहां पे बोल सकता है नेग्लेक्टिंग as neglecting axial deformation, neglecting axial deformation, तब जाके मेरा dk का वैल्यू कितना होगा। पहले इक्वेशन में नहीं जाते, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जब मेरा ए मेंबर ए बी मेंबर था, ये जो मेंबर था जब मेरा एक्सटेंसिबल था, मतलब ए बी में कॉन्ट्रैक्शन या इलोंगेशन हो सकता है, मतलब ए बी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कब मूव कर सकता है, जब मेरा ए बी जो मेंबर है वो मेंबर एक्सटेंसिबल होगा, ऑब्वियसली एक्सटेंसिबल नहीं होगा तो मूव नहीं कर सकता है। तो अभी अगर मैं ए बी में बोला कि ये जो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा था, जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मोर स्पेसिफिकली जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अगर उस डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो अभी यहाँ पे डेल एक्स पॉसिबल नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, आइदर थीटा पॉसिबल है या फिर डेल वाई पॉसिबल है, डेल वाई पॉसिबल है या फिर यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे थीटा पॉसिबल है, दो पॉसिबल है, मतलब मैंने यहाँ पे जब इस मेंबर को इनएक्सटेंसिबल बना दिया तो मेरा एक एक जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम था, एक जो मेरा इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स था, वो कम हो गया। तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला को लिख सकते हैं 3j माइनस आर ई माइनस एम,
एम क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स मेंबर्स इन व्हिच द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। Is restricted. तो हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला से यहाँ पे निकाल के देखो क्या होता है इसके लिए। हम लोग तो फिजिकली निकाल के देखे कि दो हो रहा है। अब इस कैंटिलीवर बीम के लिए अगर फॉर्मूला लगाएंगे डी के तो कितना मिल जाएगा, 3J, दो ज्वाइंट है 6 माइनस 3 माइनस एम। देखो यहाँ पे एक ही मेंबर है और उसी मेंबर में तुम्हारा ये जो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा था उसे रोक दिया, सो माइनस 1। सो हम लोग वाया इक्वेशन भी 2 मिला और वाया फिजिकली भी 2 मिला। ओके, नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ये फर्स्ट केस था कंसीडरिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, नाउ सेकंड केस हम लोग क्या लेंगे कि विदाउट कंसीडरिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, तब क्या हो जाएगा डीके का वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, विदाउट द एक्सियल डिफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा 3J माइनस RE माइनस M। सो देखो इस मेंबर में भी एक्सियल डिफॉर्मेशन पहले पॉसिबल था, इधर भी पॉसिबल था, सो दो मेंबर में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो कितना होगा 9 माइनस 4 माइनस 2 दैट कम्स एज 3। ओके, और तीन कौन कौन सा होगा, यहाँ पे एक थीटा पॉसिबल है, यहाँ पे एक थीटा पॉसिबल है, यहाँ पे एक थीटा पॉसिबल है, बस तीन रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ही।